वंदे भारत ट्रेन के गेट और विंडो पर आई दरार पीएम मोदी ने 3 दिन पहले दिखाई थी हरी झंडी। पीड़ित की सहेली हादसे के बाद भाग गई, उसे भी मामूली चोटें आई। पुलिस बोली 4 नहीं 12 किलोमीटर घसीटा। नोटबंदी पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा कि केंद्र का फैसला सही। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड 19 प्रशिक्षण स्क्रीनिंग की समीक्षा की। बीते 24 घंटे में कोरोना के 173 नए केस। तालिबान के मंत्री ने 1971 में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर की फोटो दिखाई, कहा अंजाम याद रखना। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतीकरण बैठक करेंगे, जिसकी प्रेजेंटेशन बैठक लोक भवन में होगी। वहीं इस कार्यक्रम में यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी। साथ ही इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया प्यास ए इंसानियत फोरम ने खलीक अहमद की अगुवाई में रेस्पिरेटरी विभाग के तमाम मरीजों में फल वितरण किए। वहीं मौके पर रेस्पिरेटरी विभाग अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों को नेक काम का आदि बनाने के लिए यहां बुलाया गया है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वहीं इस मौके पर विभाग के डॉक्टर्स और नर्स, जूनियर डॉक्टर समेत तमाम लोग मौजूद थे। आज हम लोग शताब्दी में मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। प्याम इंसानियत फोरम की तरफ से आज फल बांटने के लिए बच्चे आए हैं, और कल हम लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया था और ये पैगाम दिया था कि साल की स्टार्टिंग हम प्रेम और मोहब्बत भाईचारे से करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्याम इंसानियत फोरम के बहुत से सदस्य, जो हर वक्त ये काम करते रहते हैं। और ये सिर्फ आज ऐसा नहीं है या कल डोनेशन नहीं है, बल्कि ये ब्लड डोनेशन कैंप आज से नहीं 1974 में हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने इलाहाबाद की नगरी से ये काम शुरू किया था। और ये उद्देश्य खबर मैनपुरी से है, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले के सैनिक स्कूल के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। भाजपा दलितों का भी आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा कि उन्होंने पहले भी उन्हें ऑफर किया था कि 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की, और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। खबर हरदोई से है, जहां एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में हुए नए बदलाव को लेकर जनता को होने वाले फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो मतदाता अपना विधायक चुनते हैं, उन्हें सदन में अपने क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के बारे में पता चलना चाहिए। साथ ही कहा कि नई व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई छवि पूरे देश में देखने को मिलेगी।
मैंने 1.5 महीने का ये विधान लागू किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा है। प्रायः जनमानस में इस प्रकार का भाव रहता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत जानकारी नहीं है, अच्छा भाव नहीं रहता। विधानसभा एक नए स्वरूप को प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने प्रयास किया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे जो सदस्य हैं, और जिसमें हमारे सदस्य की बात करता हूँ तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते से 403 सदस्य हैं, 403 के ही मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने लोगों को ये परसेप्शन चेंज करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास अब 18 मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल। खबर हरदोई से है जहां थाना टंडियावा इलाके के अपराधी गैंगस्टर, उसके भाई और भतीजे, करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने पूरे गांव में मुनादी कराई। वहीं कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ आंकी गई है। पुलिस ने कहा कि आगे भी गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। थाना टंडियावा के दुर्दांत अपराधी मोहम्मद हसीब और छोटे गाजी और उसके 3 साथी गैंगस्टर एक्ट में बंद थे। इनके विरुद्ध हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी 29 संपत्तियां, जिसमें कई खेत, प्लॉट और मकान हैं, साथ ही साथ 6 वाहन इन सभी गैंग मेंबर्स के कुर्क करने के आदेश दिए गए। इनको अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं SDM सदर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ आज कुर्क किया गया है। इन सभी संपत्तियों का मार्केट वैल्यू। खबर हरदोई से है जहां 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर दबंगों ने बूथ अध्यक्ष को बंधक बनाकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बूथ अध्यक्ष कोतवाली के एक विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने भाजपा बूथ अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित भाजपा बूथ अध्यक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। त्रिपाठी निवासी अरसैनी, मैं बबलू सिंह तिवारी के यहाँ बच्चे के बर्थडे में गया था परसों। वहीं अनिल तिवारी और उनके 3 लोग साथी मिलकर के हमको ज़बरदस्ती एक कमरे में उठाकर ले गए और वहाँ हमको बहुत मारा पीटा। करीब 40 मिनट तक हमको मारते पीट के रहे कमरा बंद करके, उससे हमें बहुत गंभीर चोटें आई हैं और रिवाल्वर मेरी कनपट्टी पर लगा दिया। ड्राइवर वाले कहीं भी तुमने FIR या कहीं भी कोई शिकायत की या कहीं भी शिकायत में गोली तो मार देंगे, जहाँ से तुम्हारे परिवार को मार देंगे। बहुत बड़ा कोई लगता है। खबर अमरोहा से है जहां शिक्षक विधायक ने प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षकों और छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक से लखनऊ में विशेष मुलाकात की, जहां उन्होंने वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को केंद्र व्यवस्थापक बनाए जाने समेत कई समस्याओं को देखते हुए आपत्ति करने वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र कराए जाने की मांग रखी, जो कि शिक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया। खबर कुशीनगर से है जहां जिला अधिकारी कार्यालय पर आपके जिला अध्यक्ष की अगुवाई में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपके पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन आप ये कतई नहीं होने देगी। आपके जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार बिना आरक्षण के ई नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए तत्पर लगी हुई है। आज ज्ञापन जो दिए उसमें मुख्य मांगे क्या है और किस बात को लेकर आप लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें आरक्षण प्रणाली लागू है, लेकिन ये भाजपा सरकार उस प्रणाली को ख़त्म करना चाहती है और इसकी मंशा ये है कि पहले नगर निकाय के चुनाव से आरक्षण खत्म किया जाए। और हकीकत यह है कि ये पूरे देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है और जहाँ तक होगा हम संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण प्रणाली को हम ला के रहेंगे।
खबर रायबरेली से है, जहां जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस को चुनौती देते हुए अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक दर्जनों की संख्या में वीडियो वायरल हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। खबर औरैया से है, जहां दबंगों के खौफ से एक विधवा महिला परेशान होकर परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे परिवार को समझाया और अपने साथ ले गई, जहां पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ दबंग उसके खेतों पर कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार जिले के उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 15/12/2022 के आदेश के क्रम में निर्माण कार्य करा रहा था, जिसमें दूसरा पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। इसमें एडीएम विधुरा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए। इसके निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के निर्माण कार्य रुकवा दिया गया तथा दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। प्रमोद सरजीत इंद्रजीत हमारी जबरन कब्जा कर रहे, सब रहे तो साथ हमने कागज बनवाए ले, तुमने कागज बनवाए ले तो हमारी गई क्यों? हम यहाँ बाजे नखलऊ बाजे डीएम एसडीएम सब रहे बाज रहे, आज 3 दिन से ये हमारी पति खत्म हुई है, हम मट्टी धर है रात में कब्जा कर रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाए, हमारी जवान जवान बिटिया हम किन के सहारे क्या करें, अब हम लेके में कछु नहीं दिखाया तो कहूँ नहीं मेरी कोई सुनाई हो रही, अब हम मरे हैं और कछु नहीं करें हमें नहीं कछु। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।